بسم الله الرحمن الرحيم. मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ मसाइल का अंबार इंसान उस दौर में भी थे, तलाकें उस वक्त भी होती थी, मुकदमा उस वक्त भी चलते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई फरिश्तों का गिरोह था, फरिश्ते नहीं थे। उस वक्त भी तलाकें होती थी, उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोर्ट में और अदालतों में मुकदमा जाते थे, खलीफतुल मुस्लिमीन के खिलाफ मुकदमा जाते थे। अंदाज क्या था? हजरत अली ये मुर्तजा करम अल्लाह वजह के दौर खिलाफत, वो दायर अमीर मोमिनीन है, हाकिम आला, अमीर आम, उनके मातहत उनके मुकर्रर किए हुए कादी है, कादी शुरैक, कादी की कोर्ट। एक यहूदी हजरत अली के खिलाफ मुकदमा लेके कादी शुरैक की कोर्ट में पहुंच गया, बल्कि हजरत अली को भी। हजरत अली ने मुकदमा दायर किया, ये इसके पास मेरी जिरा, इसने चुराई, ये नहीं रहा। और कहता मैं पहचान रहा हूं मेरी जिरा। कादी शुरैक को देखिए, रोया 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 रोया, कादी शुरैक का पुकार के कह रहा था, अली सच्चा है, अली झूठ नहीं बोल सकता, अली नबी का परवरदा है, अली नबी का चहीता है, अली को नबी ने पाला है, अली की नबी ने तरबियत की है, जरा सी जिरा के लिए अली झूठ नहीं बोल सकते। रोया रोया दवा के, लेकिन यहाँ इंसाफ के तकाजे को पूरा करना है, कानून की पाबंदी करना है, अकीदतें नहीं देखी जाएंगी। इस्लाम का उसूल है अल-बैयिनतु अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अंकर, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, जो मुद्दई होगा गवाह उससे तलब किया जाएगा। और अगर मुद्दई गवाह ना पेश कर सके तो मुद्दा आ जाए तो कसम ली जाएगी, अगर वो कसम खा दे उसके हक में फैसला कर दिया। इस जाब्ते के मुताबिक कादी शुरैक कहते हैं आपकी जिरा है और ये यहूदी उसका इनकार कर रहा है, आपके पास कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई गवाह जो ये गवाही दे कि ये जिरा आपकी, कहा पेश कीजिए। अल्लाह अल्लाह, हसन को पेश किया। कौन हसन? कौन हसन? नबी की गोदों में खेले के हसन, नबी के बागीचे के खिलते हुए फूल, वो हसन जिनको नबी अपने कांधे पर सवार करके लेके जा रहे, वो हसन, ये मेरा बेटा। बताइए आज इस दौर में, इस गिरी पड़ी हालत में, ईमान के रिश्ते की वजह से आपका दिल क्या कहता है? हसन के सिलसिले में आपकी अकीदतें और मोहब्बतें क्या कहती है? हजरत हसन के सिलसिले में क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत हसन ने झूठ बोलेंगे? बदमाश गिरोह से हमारा पूरा सिलसिला बिगड़ गया। हजरत हसन ने तकलीफ कर दी हजरत माविया को, ये तकलीफ नहीं कर रहे हैं छोटे। हजरत हसन ने चुना तकलीफ कर दिया, हजरत खराब गलत सुना। ईमान तू फैसला करेगा हसन का? हजरत हसन रजी अल्लाह तआला के सिलसिले में कादी शुरैक ने ये कह दिया कि ये चूंकि आपके बेटे हैं और इस्लाम के कानून के हिसाब से बेटे की गवाही बाप के हक में मुतबर नहीं, और कोई गवाह पेश कीजिए। अगर वो दूसरा गवाह, उन्होंने कंबर को कंबर नाम का गुलाम था, क्या ये जानता है मेरी दिल? कादी ने कहा आका के हक में गुलाम की गवाही मोतबर नहीं। कहा मेरे बाबत तो यही दो गवाह थे। कादी शुरैक ने कहा मुकदमा खारिज, इंसाफ फला बीमा छा जा रहा बैठा हूं। कादी शुरैक अली के मुलाजिम है लेकिन कुर्सी इंसाफ पर बैठ के फैसला कर रहे हैं। हजरत अली नजर झुका ली, मुकदमा खारिज हो गया, ठीक फैसला तस्लीम। यहूदी कदमों में गिर गया, वो यहूदी कदमों में गिर गया और वो कहता है सच कहते हैं अली, इन्हीं की जिरा है, मैं इस इंसाफ को कुर्बान, मैं इस मजहब को कबूल करूंगा। ये है, ये किरदार पेश किया है। अल्लाह फरमाते हैं
نبی سے جب یہ والی محبت کرو گے تب تم مومن کہلانے کے لائق ہو, ورنہ ہوا ہوائی دعوے بہت ہیں. اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل اسلامیات قطر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. جزاکم اللہ خیرا.